नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज को शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो में हम शिक्षण विधियों के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो आप एंड तक देखिए। इन 20 क्वेश्चन में से आपका जितना भी स्कोर बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये वीडियो लेवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कंटिन्यूसली फॉलो रखें इस टेस्ट सीरीज को। निश्चित ही आपको ये आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक बेनिफिट देगी। और अगर आपको वीडियो तेज देर से अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण आधारित होता है। उपलब्धि परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। तो ये किस पर आधारित होता है? ब्लू पत्र पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, शिक्षण विधियों पर, या फिर सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। निष्पत्ति या जो उपलब्धि परीक्षण होता है ये आधारित होता है शिक्षण के उद्देश्यों पर। सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा है, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है, मूल्यांकन से, प्रशिक्षण से, अनुदेशन से, या फिर परीक्षा से? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मूल्यांकन से। ये आप ध्यान रखें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे दे रखा है, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है? लघुतरात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, या फिर अति लघुतरात्मक? तो विचारों की अभिव्यक्ति होती है निबंधात्मक प्रश्नों में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं, एडगर डेल, किलपैट्रिक, जॉन डीवी, या फिर मॉरिसन? तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है एडगर डेल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे दे रखा है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, या फिर पुस्तक विधि? तो व्याकरण शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आगे दे रखा है, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, या फिर भारत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड, अमेरिका में। आगे दे रखा है, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यावहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है। पाठ योजना की ये परिभाषा है, उक्त परिभाषा दी गई किसके द्वारा? बॉसिंग, डेविड, यहाँ पर बाइनिंग व बॉल और हर्बर्ट, इनमें से किन के द्वारा दी गई वो आप बताएं? तो ये जो परिभाषा दे रखी है ये है डेविड की, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे दे रखा है, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम संसाधन कौन सा है? मातृभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा, या फिर उक्त सभी? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मातृभाषा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, रसानुभूति पाठ का संबंध होता है भावात्मकता से, विचारात्मकता से, अ और ब दोनों से, या फिर रचनात्मकता से? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर है, भावात्मकता से। ये आप ध्यान रखिए, रसानुभूति पाठ का संबंध होता है भावात्मकता से। आगे दे रखा है, प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह कौन से हैं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, सुनना व बोलना, सुनना व लिखना, पढ़ना व लिखना, या फिर बोलना और लिखना? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनना और बोलना। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? विचार संश्लेषण का, सस्वर वाचन, मौन वाचन, या फिर आदर्श वाचन? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आदर्श वाचन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। कविता की यह परिभाषा दी गई किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर श्याम सुंदर दास, या फिर विश्वनाथ ने? तो कविता की जो ये परिभाषा है ये दी गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। परिभाषा वापस देख लेते हैं, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे हम कविता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है भावात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, या फिर रागात्मक?
ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ज्ञानात्मक, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, सूत्र विधि सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यहाँ पर आप इस वर्ड पर जोर दें, नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर? थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो पहले आपके कट हो सकते हैं, ये वाले, ठीक है। यहाँ पर एक में तो दे रखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सबसे नीचे दे रखा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो इन दोनों में से एक आंसर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सूत्र विधि में ये सूत्र नहीं दे रखा है, ठीक है, बाकी ये तीनों दे रखे हैं, ठीक है, सूत्र विधि में। तो ये आप ध्यान रखिए, सूत्र विधि इन तीनों सिद्धांत पर तो आधारित है, इस पर आधारित नहीं है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, या फिर निबंधात्मक प्रश्न। तो मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हमें आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दे रखा है, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, आगमन विधि, या फिर निगमन विधि? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, आगमन विधि। नेक्स्ट दे रखा है, शिक्षण सहायक सामग्री के जनक माने जाते हैं, गांधी जी, फ्रॉबेल, किल पैट्रिक, या फिर हेनरी कोल्डवेल? तो शिक्षण सहायक सामग्रियों के जनक माने जाते हैं फ्रॉबेल, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। और भारत में कौन माने जाते हैं? तो भारत में माने जाते हैं गांधी जी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर साहचर्य विधि का आविष्कार किया था, हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, हंटर, या फिर डेविड, इनमें से किसके द्वारा हुआ, आप बताएं? तो साहचर्य विधि का आविष्कार किया था मॉन्टेसरी ने, मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट दे रखा है, इकाई विधि का दोष कौन सा है? कौशल अविकसित करना, क्रमिकता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना, या फिर शिक्षण सामग्री का बंटवारा करना? इकाई विधि का दोष कौन सा है वो आप बताएं। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट है, क्रमिकता का इसमें अभाव पाया जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जितना भी आपका स्कोर बना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? रंगमंच विधि, या फिर रंगमंच प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, या फिर व्याख्या प्रणाली? तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि या फिर प्रणाली है कक्षा अभिनय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपका स्कोर बनाए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चैनल को विजिट करके आप रेट से रिलेटेड साइकोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं, इसके अलावा राजस्थान जीके के भी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको दिल से अच्छा लगाए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।